कम्युनिटी डिबेट ए सी आफ्टर कोविड बी सी बिफोर कोविड सो हम ए सी के ऊपर बात करेंगे आफ्टर कोविड इसके ऊपर कोविड के क्या असर थे लाइफ में क्या चेंज है पाकिस्तानी कम्युनिटी चीज़ों को कैसे देखती है इन सब बातों के करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो बहुत ही मोहतरम जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि मीडिया से रिलेटेड लोग हैं और कम्युनिटी uh, में बहुत एक्टिव हैं कम्युनिटी के बहुत काम करते हैं जर्नलिज्म और मीडिया की जब बात आती है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में एथनिक मीडिया कैसे अपने आप को इन चेंजेस के साथ कॉप कर रहा है इस पे आज हम गुफ्तु करेंगे मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है जनाब इरफान मलिक साहब थैंक यू और उनके साथ मौजूद हैं दाऊद जान साहब दोनों हजरत को वेलकम खुशामदीद आमदीद बड़ी मेहरबानी बड़ी थैंक यू इरफान भाई आपसे बात शुरू करूंगी जी प्लीज, प्लीज, आ, प्लीज, आ, प्लीज. आ, आप कोविड के असर मीडिया जी. के परस्पेक्टिव में लेके चलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप क्या देखते हैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कम्युनिटी डिबेट में जो बड़ा मशहूर प्रोग्राम है टैग टीवी का आपने मुझे हमेशा इनवाइट करती हैं और हमेशा मेरे व्यूज़ सुनती हैं और बर्दाश्त भी करती हैं और बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया कोविड ने जो एज ए होल कम्युनिटी को एक किस्म का आप ये समझें कि दो तीन इसके असरात हुए हैं भी और फिज़िकल भी फिज़िकली ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया उसकी मुख्त वजूहत थी शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिल रहे थे या कुछ और मसले मसाइल थे नंबर दो ये हुआ कि साइकोलॉजिकली ये हुआ कि लोग जो घर रहने के आदि नहीं थे उनको ये पता लग गया कि अब घर वालों के साथ रहना पड़ेगा बच्चों को माँ बाप के साथ मियाँ को बीवी के साथ बीवी को मियाँ के साथ तो एक शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम भी पेश आई साइकोलॉजिकल समझ लें या आप ये समझ लें कि चूँकि एक एक, एक एक वो टेम्पो नहीं था फिर लोगों ने आहिस्ता 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 फैमिलियों के साथ रहना सीख भी लिया लड़ाई झगड़े भी कम होने शुरू हो गए ख़ास तौर पर जो मर्द रात थे उन्होंने देखा कि घर के काम में भी अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा औरतों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी में काफ़ी चेंजेस आई जहाँ तक आप मीडिया की बात कर रही हैं मीडिया का ये जो एथनिक मीडिया है उसका रोल मैं समझता हूँ कि इतना आ, मेरे ख्याल के मुताबिक इतना इंक्रेजिंग नहीं रहा इतना इंक्रेज नहीं किया उन्होंने आ, अपने हमारी कम्युनिटी को इस तरफ साइकोलॉजिकली भी तैयार नहीं किया उनको मेंटली भी तैयार नहीं किया कि कोविड से किस तरह उन्होंने करना बहुत सारे बिजनेस बंद हुए छोटे छोटे बिजनेस थे लोग रेस्टोरेंट चलाते लाते थे लोग कपड़े बेचते थे लोग और चीज़ें करते थे तो वो कहते हैं ना कि एक जो एथनिक मीडिया का जो एक फ़र्ज़ था कि वो कम्युनिटी को गाइड करते हैं कि अब आपने डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे इस तरह करना है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनमें क्या खामियाँ और क्या ख़ूबी हैं आई एम सॉरी टू से मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूँ एथनिक मीडिया ने मेरा ख्याल है कि इतनी कामयाबी हासिल नहीं आप की आपकी तरफ आती हूँ दाऊद भाई आप बताइए कि आप एथनिक मीडिया और उस पे कोविड का इंपैक्ट और उसके बाद उनकी जनरल सूरत हाल क्योंकि आप उसमें पहले का भी तनाजुर देखते हैं आप आ, पाकिस्तान भी बहुत अरसा मीडिया में काम किया आपने यहाँ का भी आपने जायजा लिया तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं जो नहीं हैं और क्या चीजें मौजूद हैं बहुत अच्छा मलिक साहब ने मेरे ख्याल में बेहतरीन तबसरा किया इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एथेनिक मीडिया से थोड़ा सा एक कदम जरा पीछे हटूंगा और इसको कन्वेंशनल मीडिया की तरफ जाऊंगा कि अगर मैं जब से कोच स्टार्ट हुआ आपको जैसा कि मालूम है पाकिस्तान में था एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो जिस वक्त ये वबा आई किसी को मालूम नहीं था पाकिस्तानी मीडिया ने इसमें मैं ये कहता हूँ कि कंपेयर टू कैनेडियन यहाँ पर जो हमारा लोकल मीडिया है पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले, प्ले किया है जहाँ पर डॉक्टर फ्रंट लाइन सोल्जर थे और बग़ैर पी पी के काम कर रहे थे इसी तरीके से वो जो वर्कर जो एन के लिए काम करते थे जो फूड सप्लाई करते थे उससे भी ज़्यादा काम मीडिया के लोगों ने किया क्योंकि मीडिया के लोग वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट नहीं था एक कैमरा मैन है उसने आना है कैमरा के पीछे खड़ा होना है एक प्रोड्यूसर है उसने सोचर पर बैठना है एक रिपोर्टर है उसने फील्ड में निकलना है बाज़ारों के अहवाल जानना है बाज़ारें बंद है सुनसान है फिर हॉस्पिटल जाने हैं फिर उसने फैक्स एंड फिगर देने हैं कोविड की सूरत हाल इसके बाद फिर डॉक्टरों को इंगेज करना हर टीवी चैनल पे जहाँ पे मैं एक प्रोग्राम हल्का करता था हमारे पास शफा इंटरनेशनल के बड़े बड़े डॉक्टर बैठते थे पैनल बैठते थे और हम ये बताते कि वायरोलॉजी क्या चीज़ है यहाँ पे, पे, पे आता हूँ इसकी वजह मैं बताता हूँ कि उस कंपैरिजन में अगर मैं कि डिफरेंस क्या था वहां ये चीज़ थी कि बड़ा पे अगर वापस आते हैं तो जो रोल यहाँ पे था Uh, सबसे पहले यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आई गवर्नमेंट की तरफ से हर आदमी ईजिली मू नहीं कर सकता था और वर्क फ्राम होम का कंसेप्ट था लोकल मीडिया वर्चुअल मीडिया पर चली गई जैसे कि आप लोगों ने तो फिर भी मेंटेन रखा कि इधर से आप ऑनलाइन प्रोग्राम करते थे लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं टेक की बात करूँगा चूंकि मैं टेक टी वी में काम करता हूँ यहाँ पर मेरे जिम्मे कुछ कम्यूनिटी के इवेंट्स में कवर करता हूँ मैं पहले जब जाया करता था तो ज़ाहरी बात है कम्यूनिटी में लोग मिलते थे बड़ा खुश होते थे एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे गमी और ख़ुशियाँ शेयर करते थे अब मुसीबत ये है कि मैं फ्राम द लास्ट टू वीक जब मैं जाता हूँ वहाँ पर अब जो अटेंडेंस है मलिक साहब एग्री करेंगे मेरे ख्याल में वन टू परसेंट के बराबर है जी, जी लोग अभी भी खौफ में हैं अगरचे आज रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो गई है माँ जो मैंडेट था वैक्सीनेशन दिखानी सर्टिफिकेट दिखाना अब आहिस्ता आहिस्ता मास्क भी लेकिन लोग इंक्रेज अभी भी नहीं है पता नहीं एक कंजाना सा खौफ है लोग एक ट्रामे में है साइकलॉजिकली साथ साथ जिनके कारोबार थे उस ट्रामे से लोगों को निकालने के लिए अब जैसा कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ये टेक टी ने एक अनिशियटिव लिया हुआ है कि आप कम्यूनिटी ज़िंदगी दोबारा कुल रही है हम लास्ट वीक में मैं तकरीबन दो ऐसे तकरीबा में किया बल्कि तीन तकरीबा में कि जहाँ पर फिर भी अटेंडेंस है लोग आ रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं तो बड़ा डिफरेंस है आपने कंपैरिजन का पूछा था कि पहले कैसा था पहले बहुत आबादी भी ज़्यादा थी पापुलेशन एक्सप्लोजन था लोग पम्प एंड चाय सब कुछ था अब कोविड की वजह से ये कि लोग अभी भी एक अजीब किस्म की टेंशन में बाकी जो टेलीविजन चैनल का किरदार होना चाहिए था कि यहाँ पे साइकालोज यहाँ पे, पे इसके अलावा जो है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम करना यहाँ पे बच्चे घरों पे थे बच्चे जो घरों पे थे तो आया ऑनलाइन एजुकेशन का यहाँ पे तो पहले से कंसेप्ट था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था बिल्कुल तो ऑनलाइन एजुकेशन और उसके समरात और क्या वो बच्चा जो कि स्कूल में इतना एक्टिव नहीं था उसका टीचर उसको पॉइंट कैसे मतलब कन्वे कर सकता था या बच्चों को जो चैलेंजेस थे फिर स्मार्ट कोर्स सिलेबस जो आया तो ये सब चीज़ें टेलीविजन कर सकता था जो कि सही तरीके से नहीं हुआ मतलब वो जो बच्चों को स्कूल में जो स्मार्ट सलेबस सिखाया जाता था या उसको थोड़ा सा रिलीफ था उसकी वजह से अभी अगर आप देखें पोस्ट पेंडेमिक सनारियों में बच्चों की जो तालीमी कैपेबिलिटी uh, है या स्टेटस्टिक uh, को अगर आप उठा के दे लें तो 69 परसेंट ऑफ द पीपल जो है अभी भी जो है क्या ये समझते हैं कि इसकी वजह से हमारे बच्चों का साइकोलॉजिकली uh, अगर ये पीछे गए अगर अगरच माली जो माशी हालात है जिस तरह मालिक साहब ने कहा हो सकता है कि गोर्नमेंट की तरफ से कुछ मराहत थी लेकिन उस मराहत के साथ साथ प्रॉब्लम यह था कि लोग घरों में कैद रहे रिक्रेशन कोई नहीं था पार्क सारे बनते रेस्टोरेंट सारे बनते हमारे पाकिस्तानी माशाला हर जगह जाया करते हैं रूटीन में खाने खाते हैं पा, पाकिस्तानी फूड और हमारे रेस्टोरेंट वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास लाइन मौजूद है लेकिन न कर सके हम उसको तो ये मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहा कि कोशिश की है ने लोगों ने लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन थी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी तो हम क्या करते थे जो स्टूडियो से हो सकता है या वर्चुअली हो सकता था वो मेरे ख्याल में उन्होंने जस्टिफाई किया हुआ है चलिए वापस आपकी तरफ आती हूँ अभी दाऊद ने गुफ्तगु करते हुए ये फरमाया कि एथनिक मीडिया में खौफ है आप इसको खौफ समझते हैं या इनकेपेबिलिटी ऑफ वॉकिंग विद द चेंज क्योंकि दुनिया भर का मीडिया जो भी काम कर रहा है वो इस पेंडेमिक के दौरान रुका नहीं है और उन्होंने अपना किरदार इसमें अदा किया है तो आप क्या समझते हैं कि क्या खौफ है कम्युनिटी मीडिया में या इनकेपेबिलिटी है को करने की न्यू सिचुएशन में जी आपके राय <coughs> थैंक यू वेरी मच लीमा जी बात यह है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने एक तजिया पेश किया कोविड का मैंने भी को आठवीं दिन के साथ yes. पाकिस्तान में गुजारे <laughs> और मीडिया का हमने जो रोल देखा yeah. उन्होंने जिस तरह प्रोग्राम किए जिस तरह उन्होंने कवरेज की और जिस तरह उन्होंने उजागर किया वो दैट वाज इन पाकिस्तान इट गुड अच्छा बात थोड़ी सी मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ हुआ ये कि ये एक्सेप्शन होती हैं ये हम कहें कि जी सारा एथनिक मीडिया सब सब इनकेपेबल है नहीं इस तरह नहीं है कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया आ, उनमें मैं टैग टीवी को भी आ, शामिल करता हूँ कि जिन्होंने अवेयरनेस पे और भी इस तरह के दो हैं मुसीबत ये हो जाती है रीमा जी के जब हमारी कम्युनिटी में काम शुरू होता है ना तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग मीडिया के बैज लगा के सामने आ जाते हैं जिनका हकीकत में मीडिया से कोई तलक नहीं होता और अभी भी ताल्लक नहीं है मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ जो सुनने वाले अगर कोई नाराज़ होता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है बड़े बड़े फंक्शन होते थे मैं और दाऊद भी जाते थे आप भी वहाँ मौजूद होती थी कुछ लोग तो ये थे कि हकीकी काम करने वाले लोग थे कि जिनके पास कैमरे हैं जिन्होंने उसको प्रेजेंट करना है फ़ोटो खींच के आगे भेजनी है कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि यार वो मीडिया के टिकट्स मिल गई हैं तो प्रोग्राम अटेंड करें मीडिया का नाम लें फेसबुक पे अपने आप को मीडिया का शो करें फेसबुक पे ये बताएं कि जी हम तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अब ठीक है बड़े जर्नलिस्ट होंगे लेकिन कम्युनिटी को गाइड तो करें ना अच्छा मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो खौफ वगैरह कोई नहीं है सर तमाम लोग जो कि अपने आप को मीडिया कहते हैं एथनिक मीडिया कहते हैं वो हर जगह मूव कर सकते थे हर जगह जा सकते थे उन पर कोई पाबंदी नहीं थी कि जी आपने नहीं आना विथ सम रेस्ट्रिक्शन के दिया लिमिटेशन मूवमेंट से लिमिटेशन थी लेकिन आ, मैं भी जाता रहा हूँ सिटी हॉल में फंक्शंस थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे मैं भी वर्चुअली भी जाते रहे हैं मेरा ख़्याल है कि ये कैपेबिलिटी में मैं इसको शुमार करूँगा कि शायद वो एक तो ये हुआ कि कोविड की वजह से इतनी सपोर्ट बाकी नहीं रही फिर ये हुआ कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग घरों में बंद हो गए फिर इवेंट भी नहीं हुए मादरत से कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के जितने इवेंट्स होते हैं वो मकसद होने की बजाय उनका सारा फोकस जो होता है वो पंजाबी वो कहते हैं ना कि रोटी कदों खुलेगी तो वो सारा फोकस उधर ही होता है और मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि नात खानी का प्रोग्राम है कोई नाते नहीं सुन रहा कोई कुछ नहीं हो रहा तकरीरें हो रही हैं एम आए हुए हैं मेंबर पार्लियामेंट आए हुए हैं वो तकरीरें कर रहे हैं नात खाने का प्रोग्राम है उसके बाद एकदम आवाज़ आती है जी रोटी खुल गई या रोटी खाने चले जाते हैं और उसके बाद वापस आके गए पंद्रह बीस बंदे बैठ जाते हैं बाकी सब चले जाते हैं और वो बेचारा वो नाथ का मकसद ये है कि कोई मकसी नहीं है कम्युनिटी के जितने इवेंट्स हैं उनमें कोई मकसदियत बाकी नहीं किसी बंदे ने कोविड के नुकसान पे या कोविड के सिम्टम पे मुझे बता दें कि आज तक किसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम किया हो आपके टीवी पे या किसी और टीवी पे जिसमें उन्होंने बताया हो कि ऑनलाइन क्लासें कब शुरू करनी है पढ़ाई किस तरह करनी है बच्चों को किस तरह संभालना है अगर आप नौकरी आपकी चली गई है तो आप किस तरह ऑनलाइन काम कर सकते हैं मतलब ये कैपेबिलिटी में मैं इसको शुमार करूँगा मैं खौफ की कोई लामत नहीं है खौफ किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है <laughs> uh... दाउद साहबाब आपकी तरफ वापस आते हैं मीडिया uh, का मकसद स्पेशली जब हम एथनिक की टर्म यूज़ करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी में वो बातें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में की जा रही हैं उनको सहूलत से पहुंचा सकें बहुत से पंजाबी चैनल्स ऐसे हैं जिन पे ये तमाम बातें जो गवर्नमेंट के अंदर चलती रही वो होती रहीं आ, बहुत सी पॉलिटिकल चैनल्स जिन पे डिबेट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को वर्चुअल करके डिबेट्स जारी नहीं हमारे यहाँ पे भी कुछ अरसा शुरू में हम लोगों ने कम्युनिटी के ऊपर ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिटी डिबेट की जिसमें आपके लिए इरफान भाई थोड़ा सा हमने डिस्कस किया लेकिन डिटेल में बहुत नहीं दिया तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया का रोल क्या होता है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पाया देखें होता ही है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगर या इंफोटेनमेंट या इंटरटेनमेंट ये तीन चीज़ें हैं कि जी मीडिया अगर कहीं न्यूज़ आउटलेट है तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ या इंफॉर्मेशन देती है या कहीं पर अगर बुके चैनल है जिसमें ड्रामा है म्यूज़िक है ये सारी चीज़ें पेंडेमिक के अंदर ये बड़ा ज़रूरी था जैसे कि आप लोगों के प्रोग्राम थे कि इसमें म्यूज़िक के भी प्रोग्राम है हर आदमी हर वक्त ख़बरें तो सुनना नहीं चाहता ना जाहिर बात है बंदा बोर हो जाता है अच्छा जो एजुकेशन दी में जैसा कि आप लोग करते रहे हैं यहाँ पर या बाकी में तो मीडिया का रोल बड़ा स्पेसिफिक है और वो ये है कि उस वक्त ऑफेंसिव पोजीशन थी डिफेंसिव पोजीशन तो थी, थी नहीं आग नहीं। लगी हुई थी ऑफेंसिव पोजीशन थी मीडिया को एक फिक्स पॉइंट चार्ट बनाना चाहिए था कि जिसमें से हर एज के लोगों को कैटर करना था इसमें बच्चे भी हैं नौजवान भी है बूढ़ी भी है मर्द भी है औरत भी है एक नौजवान है जिसको ज़ाहरी बात है उसकी रूटीन थी कि वो जम जाया करता था सब कुछ बंद है अब उस बच्चे को जाहिर बता आप इसको मना कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है अब मीडिया मीडिया क्या करे उस बच्चे के लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम लेके आए कि अगर वो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो अब उस एज ग्रुप के लिए 20 से लेकर 27 साल के बच्चों के लिए म्यूज़िक टेक टीवी क्या कर रहा है म्यूज़िक लेके आ रहे दिखा रहा है इसके अलावा अब ऐसी भी खातें हैं जो कि कुछ तो वर्क फ्राम होम है लेकिन जो नहीं है मिसाल घर में बैठी है जाया करती थी अब उसको चैलेंजेस है शोर भी हो रहा है घर से भी काम है उसके लिए सॉप आपके पास ऐसे ड्रामे या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करें अच्छा इसके साथ साथ ज़ाहरी बात है घरों में इतने कन्फाइन हो गए कि छोटी छोटी बातों पर छिड़छिड़पन लोगों में पैदा हुआ अब उसको ख़त्म करने के लिए कोई काउंसलर कोई आप लेके आए किसी बंदे को कोई मोटिवेशनल स्पीकर था आपके पास जो बैठ गए उसने बोला कि नहीं ऐसे हालात में होप ज़िंदगी पर खुल जाएगी बाहर पे आ जाएगी किसी ने उम्मीद दिया लोगों को या नहीं दिया उधर 25 बंदा मर गया उधर ये हो गया तो वेंटिलेटर कम पड़ गए सांस की बीमारी हो रही है एक डिप्रेशन तो मीडिया का रोल ये होना चाहिए था कि नेवर गिव अप आप जो है क्या नाम है आ, होप उम्मीद ज़रूर आएगी और कौमों पे बड़ी बड़ी तकलीफ आते हैं और तारीख़ी हवाले से आप बात कर सकते थे जैसे कि जिस वक्त पेंसिलिन ईजात नहीं थी ट्यूबर क्लोसेज आया हुआ था टी बी के पेशेंट थे स्किन की बीमारी आई थी तो आप उस पर बात कर सकते थे एक हद तक तो किया है लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो रोल था अगरचे हम ये पूछते थे कि आज कितने बंदे मर गए और किसूबी में कितने मर गए सस्केशन में क्या हुआ और मोटरियाल में क्या हुआ ये फिक्र तो हम देखते थे लेकिन आया इन लोगों ने यह किया कि नहीं मोटरयाल के अंदर एक बंदा निकला हुआ है और उसने कहा कि नहीं एक त्रेस बहत्तर साल की खातून थी उस खातून ने वेंटिलेटर पी थी उसने एक नौजवान को देखा तो उसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ मैं जी के क्या करूँगी मैं इस नौजवान को ये वेंटिलेटर देना चाहता हूँ तो उससे एक जज्बा पैदा होता है तो क्या मीडिया ने यही मुसबत रिपोर्टिंग की कि नहीं किसी ने इस बात की तरफ देखा कि नहीं देखा तो मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा लूपोल्ड और जैसे इन्होंने कहा मैं तो खैर डर रहा था मैं इनकॉम्पिटेंसी <laughs> नहीं बोला था मैं खौफ का लफ्ज़ लेकिन चूंकि ये तो कम्यूनिटी की जान है और सब लोग इनसे डर थे तो उन्होंने खुल के कहा कि नहीं लोगों ने कुछ जगहों पे इधर थोड़ा सा कल मैं हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी है उन्होंने यहाँ पे कॉल किया कि यार मीडिया के अंदर जो पेंडेमिक में हमारा अखबार खत्म हुआ और अखबार उसने कहा कम्युनिटी हमें सपोर्ट ही नहीं कोई इश्तहार नहीं दे रहा था हमें तो कोई इश्तेहार नहीं दे रहा था तो अखबार में हम क्या लगाते उधर हुकूमत की तरफ से भी मतलब लिमिटेड सपोर्ट था या नहीं था तो उन्होंने कहा कि जी जैसे कि प्रिंट मीडिया है तो उन्होंने भी ओवरऑल पहने नहीं बेचारों ने जब जिसने अपना अखबार बंद कर दिया तो लोगों को कैसे फैसिलिटेट करते हैं जाहिर बातें है, लोग घरों में थी मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया ये सब चीज़ अच्छा दूसरा मसला ये हो कि सोशल मीडिया पर सारी इन क्रेड, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी उस न्यूज़ की और परेशान कुछ थी आपको पता है आजकल जो सब कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया पे है मेजॉरिटी आप लोग बगैर किसी चीज़ की तस्दीक करके बगैर कोई ऐसी लोग कहते थे जी कोरोना का इलाज आ गया आप इस तरह करें कि आप फलानी चीज़ का काबा बना लें तो आपको करोना नहीं होगा उधर बंदे को छिस्ट इन्फेक्शन ऑलरेडी है और उसने जो है वो काबा पी लिया मज़ीद इसका छिस्ट जो जो है क्या नाम है प्रॉब्लम कर गया वो कम्प्लिकेशन में चला गया तो मतलब ऐसे में इस मतलब ऐसी मीडिया का जो पंजाबी पुष्तो उर्दू बोलते हैं उनका बड़ा रोल था और रोल प्ले कर सकते इधर आके बैठ सकते थे कम्युनिटी को इस मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए था कि यहाँ भी भी इंसान काम करते हैं यहाँ भी भी मतलब ये जो इदारा चलता है ये लिए भी पेट्रोल चाहिए बिजली का बिल आता है कैमरा मैन की तनख्वाह है इधर जो है लोग काम करते हैं तो उसको चलाने के लिए ये टू वे ट्रैफिक था तो दोनों तरफ से कोताही हो गई है चलिए मलिक साहब आपकी तरफ आते हैं सोशल मीडिया न्यू न्यू इक्विपमेंट इस हवाले से आप आ, क्या समझते हैं क्या कम्युनिटी तैयार है इन न्यू चेंज क्योंकि अब ये दुनिया जो बदल गई है कोविड के स्पेशली चलिए आज से हम कहते हैं कि आज से हमारी एक नई नए इरा में हमने कदम रखा है क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ भी हुई हैं लेकिन प्रिंट मीडिया के हवाले से और डिफरेंट चेंजेस तो पहले से ही अंडर डिस्कशन थी और चेंजेस थी।, थी लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम अभी तैयार हैं इन चीज़ों के साथ कॉप करने के लिए जी देखें रीमा जी बात यह है कि सबसे पहले तो हमें कम्युनिटी को तैयार करना पड़ेगा ठीक है थोड़ी सी बात मैं अपनी आगे और बढ़ाऊंगा मुझे लगता है कि नहीं सॉरी मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा करूँगी आप तैयार होने से क्या मुराद लेते हैं जैसे मैं ये समझती हूँ एक्विप, होना यह है कि आप लेटेस्ट आपको पता है, लेटेस्ट है। टूल्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, वर्चुअल रियलिटीज क्या है, क्या है, क्या है ये सब ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत अरसे हैं लेकिन अब ये पहले ये प्रिविलेज थे अब ये नेसेसिटी के अंदर आते हैं तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हम हम अब दुनिया के इस चेंज में हम कहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है? है अच्छा बात है, तो मैं उसी तरफ आ रहा था तो आ, मैं सिर्फ कहने ये लगा था कि आ, हमें त्यार जब मैंने लफ्ज़ त्यार का इस तरह जरूर किया ना तो देखें कम्युनिटी सौ दो सौ बंदों की कम्युनिटी नहीं है हुँ. जो आपको हर फंक्शन में नज़र आते हैं मेरे जैसे बंदे जो हर फंक्शन में नजर आते हैं कम्युनिटी वो नहीं है कम्युनिटी इससे बहुत बड़ी है कई ऐसे लोग भी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं जिनको हमने कभी किसी फंक्शंस पे बुलाया नहीं है जिनको हम कभी कभी जाके किसी ने पूछा नहीं कि आप ठीक हो या नहीं ठीक हो वो भी पाकिस्तानी हैं वो भी साउथ इंडियन है सब कुछ अलमिया ये बन गया है कि हम अपनी इज्ती तौर पे हमारे जो कम्युनिटी लीडर हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है सोशल मीडिया पे हमारा सिर्फ मकसद एक ये रह गया है कि हम अपनी तारीफें करेंगे मैं अगर किसी जगह गया हूँ मैं अपनी दस फोटो खींच के डाल दूँगा कि जी आज तो मैं जनाब बैठा हुआ था इन्होंने मेरी दावत की थी और मैं जनाब दोस्तों के साथ बैठा हूँ खाने खा रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ खाने खा रहा हूँ ये कम्युनिटी का लीडर का काम नहीं आम बंदा करे ठीक है सब करते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं मैं भी करता हूँ सब करते हैं रिपोर्टिंग के स्टाइल में भी होता है मैं तस्वीरें कहकर मेरे भेजना मेरा फ़र्ज़ है लेकिन तैयारी से मकसद ये है कि अब हमें कम्युनिटी को तैयार करना होगा सोशल मीडिया की जो उफादीत है उसको उजागर करने के लिए हमारे कम्युनिटी लीडर को ये बताना होगा कि तस्वीरों से बढ़ के कम्युनिटी को तैयार कि जो सोशल मीडिया की अच्छी चीज़ें हैं या सोशल मीडिया से फेसबुक से इंस्टाग्राम से या आपका जो मीडिया टीवी मीडिया है टैग मीडिया है इन सब से हम किस तरह फायदा उठा सकते आई थिंक ये सब है ये सब हाँ, एक ही उसमें आते हैं जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो अब उसमें सभी कुछ शामिल है और आप जो फोटो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं ये फोटो जर्नलिज्म की ही एक फॉर्म है फौर्म, जो कि बहुत ज्यादा लेटेस्ट लेटेस्ट फॉर्म है और मॉडर्न फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट हो गई है तो मेरा ये ख्याल है कि शायद आ, मैं आपको ही दावत दूंगी कि आप ही इस पे बात करें कि हमारा माइंड सेट नहीं शायद बदला चीज़ों के बारे में अभी भी हम उस जाविये से देख नहीं पा रहे चीज़ों को अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा फिर मैं और एडिशन करता हूँ बात यह है कि हमारे जो हमारी जो, जो, जो लोगों को ट्रेन कौन करता है कम्युनिटी लीडर ट्रेन करते हैं जो अपने आप को बंदा कहता है कि मैं कम्युनिटी लीडर हूँ वही ट्रेन करेगा ना उसे अब कम्युनिटी लीडर अगर अपनी फोटो डालने के बजाय फूड बैंक में जा कर वहाँ काम करे या वहाँ की तस्वीरें डालो तो ज़्यादा इंक्रेजमेंट नहीं है मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ कि इस्तेमाल करने का तरीका कम्युनिटी के ऐसे लोग भी हैं किसने किसी के घर जा के किसी पाकिस्तानी के घर जा कर पूछा है कि यार तुम्हारे पास कोई राशन है कि नहीं तुम बीस दिन से घर में कैद हो बीस दिन से पड़े हो आप सोशल मीडिया पर लंबे लम्बे तकरीरें इश्तेहार दे रहे हैं कि अगर किसी को फूड चाहिए तो हमसे रिजू करे हम देंगे कौन देगा यार किसी हर बंदे की अपनी इज्जत नफ्स है सो ये तरीके बदलने की ज़रूरत है आप खामोशी से भी जाके दो तीन बंदे मेरे घर के बाहर फूड रख सकते हो कि यार पता नहीं इसने बीस दिन हो गए हैं कोविड की वजह से बंद है को क्यामत तो नहीं आ गई एक आध बंदा तो मूव कर सकता है ना वो भी नहीं किया मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि बड़ी अफादियत है इसकी हमें बदलने की ज़रूरत है हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है बदकिस्मती से हमारी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो उस वक्त मोबलाइज होते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है इलेक्शन में सारे खाने भी चल रहे हैं फंक्शन भी हो जाएंगे सोशल मीडिया पे भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी सब कुछ हो जाएगा जब साहब हार उड़ के बैठ जाएंगे तो फिर सब गायब हो जाएंगे तो ये इसके कि आप सियासी मैदान में या तो कामयाब हों या वहाँ भी ऐसे तरीके अख्तियार करें कि हमारे लोग कामयाब हो सकें उसमें करने की बजाय आप जो वेलफेयर के काम हैं जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्युनिटी की वेलफेयर है फोर्टी परसेंट ऑफ दी कम्युनिटी आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि फोर्टी परसेंट ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी इज़ लिविंग बियॉन्ड दी पॉवर्टी लेवल और ये मैं नहीं कह रहा कनाडा ये, ये जो गवर्नमेंट ये, ये बड़े ग्लोबल कह ग्लोबल. रहा है ये दूसरे अखबार कह रही है लिखते हैं नाम ले कर से तो वो फोर्टी परसेंट का जिम्मेदार कौन है वो मैं जिम्मेदार हूँ ये जिम्मेदार है आप जिम्मेदार हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी इज्तमी तौर पर पूरी नहीं कर सके हमें सिर्फ इलेक्शन लड़ने का शौक है मुझे एम पी बना दो मुझे एम पी पी बना दो मुझे काउंसलर बना दो मुझे मेयर बना दो मैं ठीक कर दूँगा भले मुझे ढाई सौ वोट मिले और मैं आराम से घर बैठ दूँ मकसद से होता है कि पीछे गाँव में बताना है कि मैं जी 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 मलक बड़ा जी उधर रूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है सो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा सोशल मीडिया की बड़ी हफादीत है सोशल मीडिया बड़ा अच्छा टूल है बदलते वक्त में प्रिंट मीडिया इज़ डाइंग डाउन और कोविड की वजह से नहीं आपके लम में अच्छी तरह तो ये है कि कोविड से पहले भी सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा था टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी तैयारी दाऊद भाई आपकी तरफ आऊंगी uh, हमारी गुफ्तगु तो ना खत्म होने वाली है और ये खत्म होगी भी नहीं बहुत ही हॉट इश्यूज हैं लेकिन आप तकरीबात में जाते हैं देखते हैं पॉलिटिक्स की बात हुई है मीडिया कवरेज की बात हुई है तो क्या आप समझते हैं कि ये माइंड सेट सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं पॉलिटिक्स में भी जब तक आप अपना माइंड सेट चेंज नहीं करते आप लेटेस्ट इक्विपमेंट इक्विप्टड नहीं होते इक्विपमेंट ही होता है आपके आइडियाज़ तो जब तक आप उन्हें बदलते नहीं कंटेप्रेरी नहीं करते तब तक आप किसी भी मैदान में आगे नहीं आ सकते तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आपका ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है असल में आपका मकसद इनोवेशन और जदीदियत की तरफ है कि हम इसको कैसे इससे पहले आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था और इस वक्त ये बहुत हार्ड इशू है इंटरनेशनल मीडिया में भी जो आपने इनसे क्वेश्चन किया था कि सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स और इसके जो है क्या नाम है प्रो एंड कॉन्स की बात थी इस वक्त दुनिया में इलेक्शन जो जीती जाते हैं जो बाइडन अपना इलेक्शन जो है क्या नाम है ट्विटर के ऊपर या ट्रम्प अपने इलेक्शन ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग होती है रातों को मार्केटिंग सारी जो है सोशल मीडिया ट्विटर है इंस्टाग्राम है फेसबुक है इसके स्नैपचैट है एंड सो अदर सोमैनिया बहुत इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन साथ साथ इसके नुकसान भी है और वो नुकसान ये है कि जैसे कि आपके लमे मतलब ये कि खबर आती है कि जी इस वक्त जो है क्या नाम है यूक्रेन और रशिया में जो है एक आदमी अपना तजिया देता है वो उसकी कोई होती नहीं कल जैसे कि खबर आई है और एक बहुत बड़ी मीडिया आउटलेट बीबीसी ने एक तस्वीर शेयर की है कि ये तस्वीर बेसिकली आज से चार साल पहले ही एक जंग की थी तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी का इशू है दूसरा ये कि ये भी नुकसान है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक जंग लड़ी जा रही है इस्लाम के नाम पर ये लोग कुछ ऐसे भी लोग है कि अपने कुछ इसके जो अल्टरनेट मोटिव है उसको अचीव करने के लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा ये है कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसे मवाद ऐसे लिटरेचर को शेयर करते हैं जिससे जंग होने का खतरा होता है मजहबी तस्दम मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो मेरे ख्याल में उसके नुकसान भी अपनी जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट अब आते हैं जे दीदी कि इसको हम कैसे वेलकम करें देखिए कल मैं जब आज से तकरीबन चार साल पहले मैं टैग टी की तरफ से यहाँ पर जितनी भी हमारे साउथ एशियन कम्यूनिटी है इनके फंक्शन होते थे इंडिया पाकिस्तान श्री बांग्लादेश जो भी इवेंट होते थे अफगानिस्तान मैं जाया करता था तो ज़ाहरी बात है मेरे पास ज़्यादा इक्वमेंट होते थे कैमरा भी ज़्यादा होते थे कैमरे भी होते थे लाइट की अपनी ज़रूरत अब मैं जाता हूँ ज़ाहरी बात है मुझे यहाँ पे जो इक्विपमेंट एक, मिला है मेरे पास एक एंड्राइड मोबाइल है जिसमें जो है ऐसा कैमरा लगा हुआ है जिसके मेगा पिक्सल कभी ख़राब नहीं होते ठीक है थीके? इसके अलावा मुझे जो माइक दिया गया है इतना छोटा सा माइक है आप वहाँ पे मुझसे फ़ासले में पकड़िए लेकिन वो बात जो बंदा करता है वो पूरी दुनिया को कर, तो आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते जब तक अभी बात आपने की है कि हमारे पॉलिटिशियन या लीडरों ने वो रोल रोल प्ले किया है कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी से अवेयर किया है या इसने जहनी तौर पर तैयार किया बिल्कुल नहीं है जीरो के बराबर है आपको मलिक साहब ने बहुत अच्छा कहा कि अगर सिर्फ यही एक मैार है अगर मैार यही है कि मैं इलेक्शन बोलूँ मुझे दो ढाई सौ वोट मिले लेकिन मैं मशहूर हो जाऊँ भाई मशहूर क्या होना है मैं कहता हूँ गोरा गोरा साहब का इधर एक प्रोग्राम होते हैं भला तो कल मेरे ख्याल में कल मैं देख रहा था सिक्स हंड्रेड एक हफ्ते में उसके छः सौ से ज़्यादा सिक्स हंड्रेड मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं आप उनसे सीखे कि उसमें आपको क्या मतलब वो ये तबलीग है ना एक किस्म की आप उसको बताते हैं कि बेटा गाड़ी तेज़ नहीं चलानी ये करना है साइड पे करोगे तेज़ चलोगे तो अच्छा नहीं होगा आपका एक्सीडेंट होगा हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मीडिया के थ्रू तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हम किसी न किसी पार्टी को तो ऑन करते हैं हमारे अपने बायसेस ज़्यादा होते हैं मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी ये पी टी हमने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को यहाँ बड़ा डिस्कस करते हैं लोकली आप किसी से पूछे कि यहाँ पे सेनेटर जो होता है कनाडा में ये कितने हरसे के लिए होता है कि के कनाडा में सेनेटर जो मंतखब किया जाता है कितने अर्जी के लिए किसी से पूछो कि जो लेबरल पार्टी है जो विफाक है यहाँ पे सूबाई कौन सी पार्टी है सूबाई पार्टी का उस पार्टी के स, बहुत कम लोग आपको बताएंगे जो मीडिया में है वो आपको बताएंगे तो इन्फ्लेशन कितनी है यहाँ पे जो घर इतने ज़्यादा एक तरफ तो करोना था लोग इकॉनमी ख़राब थी लेकिन घर इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं पर जी में तो बंदा घर ले नहीं सकता था नो no डाउट कि यहाँ पे मौजूदा जो हुकूमत हैं वो सब कुछ कर रही है प्लेट नंबर के पैसे रीनिवल के पैसे भी ख़त्म कर रहे हैं टूर प्लाजो लेकिन उनको कोई ये तो बताएं कि जी इंश्योरेंस की मनी यहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा है कि बंदा हर महीने इंश्योरेंस के पैसे देता है उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई है आपने अपनी लीडर से पूछा आपके लीडर ने आने वाले नस। हम अपने चार साल हमने किसी को पॉलिश की अपने नौजवानों में ऐसे कि हम उस पॉलिटिक्स से निकल के इनको ये बताएं हम बहुत ज़्यादा वैक्यूम हैं ये ना ख़त्म होने वाली लंबी गुफ्तु है मेरा ख्याल है कि अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं आप दोनों हजरत का इस प्रोग्राम में शिरकत का और अपने ख्याल को शेयर करने का बहुत शुक्रिया और हम आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे शुक्रिया थैंक यू कोविड के बाद की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है इसके साथ साथ बहुत सी रियालिटीज़ जो कोविड से पहले से ही शुरू हुई हुई थी वो एक और टर्न के साथ लाइफ को किसी और तरफ ले जा रही हैं सोशल मीडिया उसमें हर तरह का मीडिया शामिल है उसका बहुत अहम रोल है नेगेटिव या पॉजिटिव ज़िंदगी में हमेशा से पॉलिटिक्स दोनों रुख लेके चलती रही है नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी मीडिया हमारी ज़िंदगी से अलग नहीं है इसका रोल हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा ज़िंदगी के चैलेंजेस बदलते रहते हैं इक्विपमेंट्स नए आते रहते हैं लेकिन फ्लूडिटी यही है कि हम अपनी चेंज के साथ बदलते रहते हैं जैसे ज़िंदगी में एक सांस दोबारा नहीं लिया जाता उसी हवा में इसी तरह एक कदम आगे बढ़ के ज़िंदगी वापस नहीं आती हम सबको ज़रूरत है अपने आइडियाज़ को बदलने की कंटेम्प्रेरी होने की सोसाइटी जिसमें हम जीते हैं उसके साथ रेलिवेंस पैदा करने की और थोड़ा सा रुक के लाइफ के इस फेज में हम कदम होने की इन अल्फाज के साथ आज की कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया